मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया। यह बजट उनके कार्यकाल का पांचवा और अंतिम बजट था। मुख्यमंत्री ने 2 घंटे 11 मिनट के बजट भाषण में घोषणाओं की बौछारती कर दी। बजट में नजर आया कि हालिया उपचुनाव में हार से सरकार घबराई हुई है और अगला विधानसभा चुनाव भी उसकी नजर में है। बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया और कर प्रस्तावों में आम जन को 650 करोड़ रुपए की राहत दी गई। इसके अलावा किसानों के लिए राहत भरी घोषणा की गई। इसके तहत प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के सहकारी बैंकों में 30 सितंबर 2017 तक के ओवरड्यू अल्पकालीन फसली ऋण की समस्त ब्याज माफी की जाएगी। साथ ही अल्पकालीन फसली ऋण में 50,000 तक के कर्ज को एक बार माफ करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सदन में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसान मेरिट के आधार पर आगे अपनी बात रख सकेंगे और कर्ज माफी ले सकेंगे। इसके साथ ही चुनावी बजट में दिसंबर 2018 से पहले 1,08,000 सरकारी पदों पर भर्ती करने की घोषणा की गई। शिक्षा विभाग में 77,100 पदों की भर्ती की जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में नई सड़कें भी बनेंगी। प्रदेश में आम जन को बजरी सस्ती दरों पर सुगमता से उपलब्ध हो, इसके लिए खनिज बजरी के छोटे आकार के खनन पट्टे दिए जाएंगे। अन्य प्रावधानों को देखें तो आम जन को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए DLC दर में 10% कटौती की घोषणा की गई है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में भी कमी की जाएगी। पत्रकारों के आवास के लिए 25 लाख तक की ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा के साथ फोटो जर्नलिस्ट एवं वीडियो जर्नलिस्ट के कैमरा बीमा की घोषणा की गई। साथ ही पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष से 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिलावार विशेषताओं को देखें तो अलवर के नौगांवा में नया कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नौगांवा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से उपचुनाव में भाजपा खासे अंतर से पिछड़ गई थी। यह मांग काफी अरसे से चली आ रही थी। इसके अलावा किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के बास कृपाल नगर में महाविद्यालय खोला जाएगा।